सोलन में रावण बनाने के कारीगर नहीं मिलते हैं, इसलिए हर वर्ष सहारनपुर से रावण बनाने के लिए कारीगरों को बुलाया जाता है। दशहरा हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन इस पर्व को प्रत्येक वर्ष मुस्लिम कारीगरों के सहयोग और मेहनत के कारण ही मनाया जाता है। आपको बता दें कि रावण बनाने वाला कारीगर शहनवाज की कई पीढ़ियां रावण बनाने का काम करती आई हैं और वे पिछले कई वर्षों से सोलन शहर में आकर रावण बनाते हैं और खुशी खुशी सभी के साथ मिलकर दशहरा भी मनाते हैं। दशहरा जिसे जहां बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है, वहीं ये पर्व आज हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बनता जा रहा है। इस मौके पर सहारनपुर से आए रावण बनाने वाले मुस्लिम कारीगर ने बताया कि वे पिछले काफी वर्षों से रावण को बनाने का काम सोलन में करता आ रहा है और उन्हें खुशी है कि वे मुस्लिम होने के बावजूद हिंदुओं के पर्व में उनका योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि वे अपने सभी त्योहार हिंदू भाइयों के साथ मनाना पसंद करते हैं और वे भी उनके साथ मिलकर सभी त्योहार मनाते हैं। ये हिंदुओं का त्यौहार है, ऐसा कभी मेरे माइंड में नहीं आया। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुओं का भी त्यौहार मने और मुसलमानों का भी मने, और मुसलमानों का त्यौहार हिंदू साथ में मिलकर मनाए और हिंदुओं का त्यौहार मुसलमान मिलकर साथ मनाए। है कि मैं अपनी बात बताऊं कि मैं इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात तो मानता नहीं जी। मैं तो ये मानता हूं कि त्यौहार है तो सबका, हिंदू का हो मुसलमान का हो किसी का भी हो, त्यौहार खुशी के साथ मनना चाहिए। ठीक है जी, ये मेरी अपनी सोच है, तो इसमें मैं कोई फर्क नहीं मानता। हिंदू मुसलमान सब हैं, सब इंसानी लोग हैं, सब एक जैसे हैं। सबका अपना अपना त्यौहार मनाने का तरीका अलग है। कोई ईद मना लेता है, कोई दशहरा मना लेता है। ठीक है जी, तो उसमें कोई फर्क नहीं मैं समझता हूँ। मेरे हिंदू दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो सब ईद भी मनाते हैं, मैं उनके साथ दिवाली भी मनाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा यह है कि मेरा अपना मानना तो यह है जी कि ये त्यौहार सब कोई किसी तरीके से मनाता है, कोई दशहरे के नाम पे मनाता है, कोई ईद के नाम पे मनाता है, तो त्यौहार ही मना रहे हैं ना, तो सबका त्यौहार मनना चाहिए और खुशी के साथ होना चाहिए। हमारे हाथों से कोई एक धार्मिक कह लो, सामाजिक कह लो, सामाजिक भी है धार्मिक भी है, दोनों बातें हैं, तो हमारे हाथ से ये काम जो है पूरा हुआ है और ऊपर वाला अच्छा कर दे तो और अच्छी बात होती है।